जब मैंने यार अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे मन में बहुत ज्यादा डर थे, कौन मुझे मतलब कोई क्यों ही देखेगा, मेरा चैनल उठेगा या नहीं उठेगा, लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद भी एक साल बाद हेयर आई एम, और वन ईयर लेटर यार मैं एक ही चीज बार बार सोचता हूँ, मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट मेरे को हॉन्ट करता है कि अगर उस एक मोमेंट पे मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया होता जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल नहीं होता, क्यों? क्योंकि फियर ऑफ फेलियर था मेरे को, तो मैं भी यार एक नॉर्मल बंदे की तरह अपनी लाइफ में एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढता रह जाता, काश मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट कर दिया होता। और मेरे को ऐसा लगता है यार कि तुम सबके साथ भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे जब तुम्हें बहुत डर लगा होगा कि क्या मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, मैं पास भी हो पाऊंगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे, मैं तो डिसग्रेस हूँ घर पे। मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा तुम्हारे साथ होता है, बट मेरे साथ ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। और इस सब इंसिडेंट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है डर। तो आज मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा कि ये जो डर है कि हम फेल हो जाएंगे, इसका क्या क्या कारण है और इनको किस किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यार सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम सबके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर है, ये जो डर है, इसकी एक्चुअल जड़ क्या है। तो रिसर्चेस यार ये बताती हैं कि अगर तुम्हारे पास्ट में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स थे, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, तो तुम्हारे अंदर ये फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि जब तुम्हारे अपने तुम्हें किसी बंदे से कंपेयर करते हैं और तुम्हारी वैल्यू को डाउन करते हैं, तब तुम्हारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और वो कल्टिवेट हो जाता है एक तुम्हारा फियर ऑफ फेलियर में। तो यार अगर लाइफ में चाहते हैं हम कि सक्सेस मिले तो हमें अपने नेगेटिव, हमारे वीक पॉइंट्स जो है उनको पहचानना होगा। और ये चीज तुम्हें पता है यार कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है वो मैं नहीं पहचान सकता, तुम्हारे मॉम डैड नहीं पहचान सकते, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या इनसिक्योरिटीज हैं और तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर इंप्रूवमेंट करने बैठ जाओ, हाँ कुछ हद तक जरूरी है, बट अगर तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता होंगे तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और उन पे अगर तुम काम करते हो तो तुम लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, वीक पॉइंट्स ही जरूरी नहीं होते कि उनको बैठ गए हम चलो स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे एक्चुअल जिस चीज में तुम्हारा स्किल है उसको आगे जाके तुम्हें डेवलप करना होगा। ठीक है, उसमें ही तुम अपना फील्ड बनाओगे, जिस काम को करने में वो तुम्हें काम नहीं लगता, मजा लगता है, तब जाके यार मतलब वो वाली जो उस लेवल की सक्सेस तुम देखते हो सपनों में वो तुम्हें मिलेगी। तो यार हमें ये चीज समझनी होगी कि जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें डिफाइन नहीं कर रहे होते। तुम्हारा 10 साल पहले का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे की डेस्टिनी को डिटरमिन नहीं करता। उसको बैठ के उसको लेके सोचते रहो कि यार मैं जब नहीं कर पाया तो अब कैसे करूंगा, ये एक बहुत गलत थिंकिंग है। ठीक है, तुम एक टास्क में फेल हो सकते हो बट लाइफ में तुम फेल नहीं होते जब तक तुम वो जो प्लेग्राउंड है जिसमें तुम खेल रहे हो उसी को छोड़ के भाग ना जाओ। तो यार पीछे से थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है तो माफ कर देना, ठीक है, ऐसे फुल न्यू ईयर की पार्टी वार्टी चल रही है। बट लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू बुक्स फॉर सीबीएसई प्रिपरेशन, तो यार ओसवाल बुक्स बिल्कुल ऐसे अलग लीक की हैं, स्टैंड आउट करती हैं। मार्क्स का सीन तो सॉर्ट हो ही जाता है बट कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझना तो एक बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की बात करूंगा, यार बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है, पोखरियाल चाचा ने हमारी डेट्स वेट्स भी अनाउंस कर दी है, तो अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा और यहीं पर यार मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस सामने आ जाती है। तो यार मैं ये दो किताबें वापस से मांग के लाया हूँ उधार पे, ठीक है, CBSE 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है, ऐसे हर सब्जेक्ट के तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और ये वाले, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यार मिल रही होती हैं, ठीक है, माइंड मैप्स मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। 10 तुम्हें इसमें अनसॉल्व पेपर मिल रहे होंगे और 5 फुली सॉल्व पेपर मिल रहे होंगे। बिल्कुल लेटेस्ट जो CBSE का सिलेबस आया है जो ऐसे रिड्यूस हुआ है उसके बेसिस पे है, CBSE का जो सैम्पल पेपर आया है वो भी इसी के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा यार तुम्हें जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है वो है टॉपर्स आंसर शीट्स, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा दूंगा क्योंकि सील नहीं खोल सकते, पापा जी को वापस करनी है। इसके अलावा भी यार बहुत सारी चीजें, माइंड मैप्स होती हैं, कॉमनली मेड एरर्स होते हैं, आंसरिंग टिप्स होते हैं, ये सब भी तुम्हें इन बुक्स के अंदर मिल जाएगी। बट हाँ भाई डिस्क्लेमर, भाई मेहनत काफी ज्यादा जरूरी है, किताबें आके जादू नहीं करती, उनको ऐसे अलमारी में से निकाल के पढ़ाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, मैं चला भाई किताबों को वापस देने, बाय बाय। अपने आप को उस फेलियर के फेस से निकालना ही यार तुम्हारे लिए एक जीत होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कि जो फेलियर का फेस था तुम्हारा, जो वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, उससे कुछ ना कुछ सीख के निकल रहे हो तुम। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट पढ़ा था मैंने कि आई नेवर लूज, आई ईदर विन और आई लर्न फ्रॉम माई लॉसेस। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो तुम्हारा स्ट्रगल का फेज है, अगर तुम उसमें जीत नहीं रहे तो कम से कम तुम उससे कुछ लर्निंग्स डिराइव करके निकल रहे हो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी यार, 5 mistakes I made during my JEE preparation, वो भी यही चीज थी, उसको जाके तुम देख सकते हो यहाँ पर। एक बार जब तुम्हारे अंदर से वो फेल होने का डर निकल जाएगा ना, तो चीजें तुम्हें थोड़ी थोड़ी आसान होती दिख रही होंगी। तुमने देखा होगा यार, बहुत सारे एग्जाम्स में मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे फ्रेंड्स पढ़ते रहते थे, बहुत ज्यादा टेंस्ड होते थे, और मैं बिल्कुल चिल मार के एग्जाम दे के आता था, और एंड में मेरे मार्क्स ज्यादा आते थे, क्योंकि मेरे ऊपर वो जो फियर ऑफ फेलियर का बोझ था वो नहीं था। ठीक है, जिस दिन यार हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है ना, जब हम लॉसेस को अडॉन करने लगते हैं, उनको सेलिब्रेट करने लगते हैं, तब यार मतलब हम साइन अप करते हैं सक्सेस के लिए। कहते हैं ना, अपने जो बैटल स्कार्स हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बैटल स्कार्स आर अट्रैक्टिव, तो उनको अडॉन करो, उनसे डरो मत इतना ज्यादा। तो यार अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि नहीं, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी सी और जरूरत है, तो मैंने यार 2-3 tips तैयार करी है। एक एक्शन प्लान है कि अगर कभी भी तुम्हें डर लग रहा हो, रात को नींद नहीं आ रही हो, तो फिर तुम ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। तो पहली चीज है यार कि यू हैव टू रीफ्रेम योर, यू हैव टू रीवायर योर गोल्स भाई, कि मतलब तुमने एक ऐसी किसी एंटिटी को सारी पावर दे दी है कि ये है मेरा गोल। अगर उसकी जगह तुम्हारा गोल लर्निंग हो जाएगा तो काफी सही चीज हो जाएगी। इजी वे में समझाओ यश भाई, तुम्हें प्लेसमेंट निकालनी है, तुम्हें पता है, तो तुम कोडिंग इसलिए करते हो ताकि तुम्हारी प्लेसमेंट हो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में। बट इससे अच्छी अप्रोच जो मेरे को लोग बताते हैं, एक्चुअली मैं काफी लोगों से कॉन्टैक्ट में हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में प्लेस्ड है, वो कहते हैं यार कि वो जो उनका एवरेस्ट था, वो जो कंपनी उन्होंने सोची थी कभी, वो उनका एम था ही नहीं। उनका एम था कि कोडिंग सीखना, कि एक्चुअली बैकएंड में चीजें कैसे चल रही होती हैं। अगर कोई वेबसाइट है उसके पीछे क्या चल रहा है, कोई ऐप है तो उसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, वाई एंड हाउ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो हाउ वाली सर्चेज हैं, ये गूगल ट्रेंड्स पे कम हो गई हैं, तो हम हाउ की तरफ नहीं मूव कर रहे। ठीक है, हमें चीजों को समझना होगा कि बैकएंड में चीजें कैसे काम करती हैं। अगर हमें एक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी, तुम्हें एक मॉनेटरी गेन चाहिए अपनी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ वाला जो पार्ट है, ये लर्निंग जो है, ये हो रही हो यार लाइफ में। एक्शन पॉइंट नंबर 2 यार, वर्स्ट केस सिनेरियोस को सोचो कि बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा। एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, जब मैं एरोप्लेन में बैठा था पहली बार, तो मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि मेरे को कॉकपिट देखना है, कि मतलब एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है और पायलट्स होते हैं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो जब एरोप्लेन में घुस रहे थे, तो मैंने अपनी दीदी से कहा कि मेरे को देखना है, तो मैं पायलट से बोलूंगा ये वाली चीज। तो दीदी ने कहा रहने दे, कोई फायदा नहीं होता, ऐसे देखने नहीं देते, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। और फिर मैंने सोचा यार कि पूछने में क्या जाता है, बुरे से बुरा क्या होगा, मना करेगा वो, ना तो ना है ही ना। तो ये वाली चीज काफी सही लगती है, ना तो ना है ही ना, मतलब तुम्हारे पास कोई भी डाउनसाइड नहीं है, मना करेगा, डांट देगा, और क्या होगा। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड तुम्हारे स्टार्स को अलाइन कर देता है। अगर तुम, मैं इस विजन से घुसा था कि मैं जैसे ही घुसूंगा मैं उनसे पूछूंगा, और एकदम से क्या हुआ, जिस मोमेंट में मैं एंटर किया उसी वक्त जो वहां के पायलट थे वो बाहर आ गए अपने कॉकपिट से, और वो खड़े थे, और उनसे मैंने पूछा कि कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ द कॉकपिट, और उन्होंने कहा या श्योर, और फिर मैं पूरा कॉकपिट देख के आया अंदर से, आई हैड अ फोटो विद द पायलट एज वेल। तो मतलब समझ रहे हो तुम, ना तो ना होती ही है, तो तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। और वो उस चीज ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो यार लाइफ में। मैं एक छोटा सा बच्चा था उस वक्त, और एक इतना बड़ा पायलट प्लेन का वो मेरी सुन सकता है, तो गॉड का मतलब कुछ तो कर रहा है ना यार ऊपर बैठा हुआ वो। तो यार फाइनल पॉइंट हमारा, थिंक पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो सब कहते हैं, काफी क्लीशे एडवाइस है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ यार, मेरे को एक फिलॉसफी है लाइफ की कि एक्सेप्ट करो चीजों को, एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, बुद्धा ने कहा एक्सपेक्टेशंस लीड टू मिजरी। अगर तुम चीजों को एक्सपेक्ट करोगे तो लाइफ में यार मिजरी आएगी, बट अगर तुम चीजों को एक्सेप्ट करोगे तो मतलब तुम यू विल बी साइनिंग अप फॉर सक्सेस। ठीक है, तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सपेक्ट मत करो। तो यार एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्सेप्ट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। ठीक है, सक्सेस एक जर्नी है यार, उसे माइलस्टोन मत बनाओ, चीजों को माइलस्टोन मत बनाओ। ठीक है, कि अगर ये लड़की मिल गई मेरे को तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कॉलेज मिल गया मेरे को तो लाइफ सेट हो जाएगी। सक्सेस एक जर्नी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में घुस के भी अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं, एंड यू डोंट हैव टू बी दैट गाय। ठीक है, तो इसी नोट पे यार आज वाली वीडियो खत्म हो जाती है। लाइक कर देना वीडियो को यार, 1000, 1500, 2000 कुछ भी जो तुम्हारा मन हो लाइक्स का, वो एम तुम ही रख लेना। सब लोग यार कॉमेंट कर रहे होंगे फियरलेस, वो भी सबको हार्ट मिल जाएगा। शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाली वीडियो अच्छी लगी, और मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में। न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग्स, एंड It's a wrap up. Bye.